नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हम गुजराती पॉपुलर डिश मुठिया बनाएंगे। रिंगड़ा ना मुठिया बनाएंगे, बैंगन का मुठिया बनाएंगे। गुजराती मुठिया और बैंगन भरते की फ्यूजन रेसिपी में मैंने धुंगार देकर बैंगन मुठिया को और फ्लेवरफुल बनाने की कोशिश की है। अगर एक बार आपने बैंगन मुठिया खा लिया तो इसका स्वाद आप भुला नहीं पाओगे। कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे। ये है रिंगण मुठिया में लगने वाली सामग्री। एक बैंगन लेंगे करीब 250 ग्राम का, आधा कप हरा धनिया लेंगे बारीक कटा हुआ, 1/3 कप हरे मटर, 1/4 कप दही, 7-8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 लाल मिर्च। एक बाउल में डालेंगे आधा कप मक्के का आटा, 1/4 कप बाजरे का आटा, 2 टेबलस्पून गेहूं का दरदरा आटा या रवा और 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। 1/3 कप हरे मटर को कोसली ग्राइंड करके डालेंगे। बड़े से बैंगन को छीलकर ग्रेट कर लिया है, उसे डालेंगे। आधा कप हरा धनिया ऐड करेंगे, 1/4 कप दही डालेंगे, 1 प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, सेंधा नमक डालेंगे स्वादानुसार। नमक को डालकर मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस मिश्रण में हम पानी ऐड नहीं करेंगे। आधे नींबू का रस डालेंगे, जो आप मिक्स करने से पहले भी ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून शक्कर डालेंगे नींबू की खटास को बैलेंस करने के लिए, और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। एक तड़का पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून मूंगफली का तेल। तेल गर्म होने पर अदरक लहसुन और लाल मिर्च का ठेचा ऐड करेंगे। आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च या फिर काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। गैस को हम धीमा रखेंगे। आधा टीस्पून हींग डालेंगे और मिला लेंगे। हमारा तड़का तैयार है। तड़के को हम इस आटे के मिश्रण में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अब मुठिया को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक वाटी रखेंगे और उस वाटी में जलता हुआ कोयला रखेंगे। थोड़ा सा देसी घी डालकर तुरंत कवर कर लेंगे ताकि धुंगार की फ्लेवर मिश्रण में समा जाए। 2 मिनट के बाद खोलेंगे। वाटी को निकालकर मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि ऐसी इनोवेटिव रेसिपी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। बेकिंग सोडा डालना भूल गया था। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस छलनी को मैंने ऑयल से ग्रीस करके रखा है। अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर मुठिया बना लेंगे और मुठिया को इस छलनी में रखकर भाप में पकाएंगे। एक पैन में मैंने 2 स्टैंड रखे हैं और हमारा पानी भी उबलने लगा है। स्टैंड के ऊपर जालीदार छलनी रखेंगे, कवर करेंगे और भाप में पकाएंगे। करीब 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं। हमारे बैंगन के मुठिया बिल्कुल तैयार है। डीप तैयार करेंगे। उसके लिए 1 कप दही चाहिए, जिसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है, स्मूथ बना लिया है। आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। सेंधा नमक डालेंगे स्वादानुसार। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे कलर के लिए और अच्छी तरह से मिला लेंगे। हरा धनिया डालकर उसे ज़्यादा कलरफुल बनाएंगे। हमारा सिंपल कलरफुल और टेस्टी डिप तैयार है। देवियों और सज्जनों, बैंगन को स्कूप करके उसका मावा निकाल लिया है। बैंगन के मुठिये को हम बैंगन में ही सर्व करेंगे। उसमें धुंगारी फ्लेवर वाले मुठिया रखेंगे और उसके ऊपर डालेंगे दही का कलरफुल डिप जो हमने बनाकर रखा था। आप चाहो तो इस मुठिया को सेलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हो। ये बैंगन के मुठिया लहसुन की चटनी और मूंगफली के तेल के साथ भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इस गुजराती मुठिया को
आज ही बनाएं और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।